नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। खबर है जालौर के रानीवाड़ा से, जहां पर सुनतर पट्टी में भील समाज के पंच पटेलों ने पंचायती राज चुनाव में सर्वसम्मति से भाजपा को अपना समर्थन दिया। भील समाज ने सर्वसम्मति से रानीवाड़ा विधायक नारायण सिंह देवल को मेडक कला गांव में बुलाकर समाज की ओर से खुला समर्थन दिया है। आपको बता दें कि पंचायती राज चुनावों में कांग्रेस पार्टी के टिकट वितरण से भील समाज में नाराजगी है, इसी के चलते ये फैसला लिया गया। खबर अब झालावाड़ के डग से है, जहां पंचायत समिति चुनाव को लेकर बुधवार को नाम वापसी का अंतिम दिन रहा। आपको बता दें कि इसी बीच 4 प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस लिए हैं। अब 62 प्रत्याशी चुनावी मैदान में फिलहाल है। निर्वाचन अधिकारी जनक सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 62 आवेदनकर्ता भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे। बुधवार को चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए, तो वहीं शांतिपूर्ण मतदान को लेकर भी प्रशासन की सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी गई है। टोटल 133 फॉर्म प्राप्त हुए थे, जिनमें से 69 स्वीकृत हुए थे, 64 निरस्त हुए थे। आज 3 बजे तक नाम वापसी में 4 नाम वापस ले गए हैं। कैंडिडेट्स 62 फील्ड में बचे मैदान। सीकर के खाटू श्याम जी में शीश के दाने के दरबार भक्तों के लिए खुल गए हैं। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के चलते 236 दिनों से श्याम बाबा के दरबार में भक्तों के लिए बंद थे दर्शन, लेकिन बुधवार से श्याम बाबा का दरबार भक्तों के लिए एक बार फिर से खुल गया है। बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए भक्तों की मंदिर कमेटी की वेबसाइट पर आपको बता दें कि पंजीकरण यहां कराना होगा। ऑनलाइन पंजीकरण के बाद ही एक दिन में 2000 श्रद्धालु 4 चरणों में श्याम बाबा के दर्शन कर पाएंगे। तो वहीं मंदिर तक पहुंचने के लिए मार्ग में भी बदलाव यहां किया गया है। अजमेर संभागीय आयुक्त वीना प्रधान बुधवार को नागौर के मेड़ता दौरे पर रही। आयुक्त प्रधान ने मेड़ता सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर साफ सफाई इत्यादि व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही में मेड़ता में कोरोना पॉजिटिव मरीजों और कोविड सेंटर में भर्ती मरीजों की जानकारी उन्होंने ली। आयुक्त प्रधान ने सभी वार्डों का निरीक्षण भी किया, साथ ही में अस्पताल प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश उन्होंने दिए। मेड़ता ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुशील कुमार दिवाकर ने इस पर बताया कि अजमेर संभागीय आयुक्त ने अस्पताल में तमाम व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया, जायजा लिया और सुधार के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। संभागीय आयुक्त भंवरलाल मेहरा बुधवार को श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ दौरे पर रहे, जहां पर संभागीय आयुक्त ने एसडीएम कार्यालय में अधिकारियों की एक बैठक ली। आपको बता दें कि इसमें उन्होंने आमजन की समस्याओं का त्वरित गति से समाधान करने के भी निर्देश दिए। संभागीय आयुक्त ने कहा कि कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, आम जनता को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जागरूक करना आवश्यक है और मास्क के फायदे भी समझाए। इस दौरान उन्होंने बैठक में एडीएम अशोक मीणा, एसडीएम मनोज मीणा, साथ ही में तहसीलदार रामस्वरूप मीणा सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। साथ ही आपको बता दें कि इस बैठक से पहले संभागीय आयुक्त मेहरा ने कोरोना जागरूकता रैली को भी हरी झंडी दिखाई।
दीपावली के मद्देनजर अलवर जिले में पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इसी के तहत खैरथल थाना पुलिस ने पुलिस मित्रों की बैठक एक बुलाई। थाना प्रभारी दारा सिंह ने इस पर जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने दीपावली पर आतिशबाजी चलाने और पटाखे बेचने वालों पर रोक लगाई है। इसी को लेकर नियमों का पालन कराने के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया। त्यौहार को ध्यान में रखते हुए हम लोग पुलिस मित्रों के साथ बैठक की हुई और हमें चाह रहे हैं कि इस टाइम पे पटाखों पे प्रतिबंध रहे, जो राज्य सरकार की भी गाइडलाइन है, और बाज़ार में जो गश्त बढ़ाने की जो व्यवस्था है पुलिस मित्रों के साथ, वो भी हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। और साथ ही जो अभियान आवाज़ के तहत भी पुलिस मित्रों से अवेयरनेस को लेकर कि आसपास लोगों को अवेयर करें, ज़्यादा भीड़ भी इकट्ठी ना हो। आने वाले दीपावली के पर्व को लेकर श्रीगंगानगर की रायसिंह नगर पुलिस एकदम सतर्क हो गई है। बाजार में खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान लोगों को सावधानी बरतने की भी हिदायत दी गई। साथ ही में मुख्य बाजार में ज्यादा भीड़ जमा न हो, इसके लिए नो व्हीकल जोन भी घोषित किया गया। अब खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां पर नगरपालिका प्रशासन की ओर से कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कई आयोजन किए जा रहे हैं, जिसके तहत न्यायालय परिसर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अजय विश्नोई के सानिध्य में मास्क वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही में कच्ची घोड़ी नृत्य का भी आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों को कोरोना जागरूकता का संदेश दिया। साथ ही आपको बता दें कि इस अवसर पर पालिका अधिशासी अधिकारी योगेश आचार्य ने बताया कि कोरोना जागरूकता अभियान के तहत ऐप के माध्यम से 495 से अधिक निशुल्क मास्क वितरित किए गए हैं। इसके अलावा दुकानों के बाद जागरूकता स्टिकर्स भी दुकानों के बाहर लगाए गए। राजधानी जयपुर के हरमाड़ा इलाके में जेडीए ने एक बड़ी कार्रवाई की, जहां पर जेडीए दस्ते ने मोटू का बास में बसाए जा रही अवैध कॉलोनी में इस कार्रवाई को अंजाम दिया। आपको बता दें कि इस कार्रवाई के दौरान जेडीए दस्ते ने कॉलोनी में बिछाई गई अवैध सड़कों और बाउंड्री को ध्वस्त किया है। दरअसल बिना भू रूपांतरण के ही 5 बीघा जमीन पर अवैध रूप से कॉलोनी बसाई जा रही थी, जिसकी शिकायत जेडीए को मिली थी। इस पर जेडीए के प्रवर्तन निरीक्षक गणेश सैनी में जाप्ता मौके पर पहुंचे और सड़कें ध्वस्त की। झुंझुनू सीएमएचओ की ओर से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत कार्रवाई जारी है। बुधवार को भी आपको बता दें कि सीएमएचओ अपनी टीम के साथ शहर पर निकल पड़े और अपने भ्रमण के दौरान विभिन्न जगहों पर जा जाकर दूध डालने वाले दूधियों को उन्होंने पकड़ा। इस कार्रवाई में 8 दूधियों के सैंपल्स को चेक किया गया, जिसमें आपको बता दें कि सबसे पहले सीएमएचओ डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर की गाड़ी गांधी चौक की तरफ जब जा रही थी, 2 दूधिये इस दौरान गाड़ी को देखकर भाग वहां से निकले। इस पर गांधी चौक में एक दूधिये के दूध में करीब 25% पानी मिला पाया गया, जिसका सैंपल लेकर जयपुर जांच के लिए उसे भिजवाया गया। तो वहीं गणेश मंदिर के पास एक दुकान में जब टीम पहुंची तो एक दूधिया अपने दूध से भरा ड्रम छोड़कर गायब वहां से हो गया। जब दूध को चेक किया गया तो उसमें 50% तक पानी पाया गया, जिसे मौके पर ही नष्ट करवाया गया। इसी बीच भीलवाड़ा के सवाईपुर में एक बार फिर से चोरों का आतंक देखने को मिला। यहां पर चोरों ने सोपुरा गांव के एक मकान को निशाना बनाकर लाखों रुपए के जेवरात और नकदी पर अपना हाथ साफ कर दिया। चोरी की सूचना पाकर पहुंची बदलियास थाना पुलिस ने आपको बता दें कि मौके का मुआयना वहां जाकर किया और पूरे मामले की जानकारी जुटाई। फिलहाल पुलिस आरोपियों की गहनता से तलाश में जुट गई है।
भीलवाड़ा की कोथड़ी में बेखौफ चोरों का आतंक जारी है। यहां पर चोरों ने गहुली गांव की एक दुकान को निशाना बनाकर गले में रखी 50,000 रुपए की नकदी पर अपना हाथ साफ कर दिया। इस वारदात को अंजाम देने के बाद चोर सीसीटीवी कैमरा को निकालकर उसकी हार्ड डिस्क को भी साथ लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस चोरों का पता लगाने में जुटी हुई है। अब खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां पर सांडेराव थाना पुलिस ने डोडा पोस्त तस्करों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की, जिसमें पुलिस ने 437 किलो डोडा पोस्त जब्त किया। थानाधिकारी धोलाराम परिहार ने बताया कि सिंदरू जादरी रोड पर गश्त के दौरान ये कार्रवाई की गई। गश्त के दौरान एक कार पुलिस के रुकवाने पर भी जब नहीं रुकी, जिसके बाद पुलिस ने कार का पीछा किया। आपको बता दें कि इसी दौरान कार का जो टायर था वो पंचर हो गया। बदमाश कार को वहीं छोड़कर फरार इस दौरान हो गए, तो वहीं पुलिस ने कार को जब्त वहां से किया। साथ ही उसमें से 437 किलो डोडा पोस्त भी जब्त किया, जिसकी कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। वो गहरा जंगल है, बबूल की झाड़ियां वगैरह जंगल का एरिया है, तो उनको पता था कि पुलिस की टीम पीछे है, तो जिसमें संभवत रूप से दो जने थे उसमें, वो निकल के वहाँ से भागे अंदर जंगल की तरफ, जिनका पीछा किया। काफ़ी खोजबीन के बावजूद वो हमें नहीं मिले। जब गाड़ी के पास वापस आकर देखा तो उसमें कट्टों में विभिन्न कलर के कट्टों में मादक पदार्थ पाया गया, जिसका चेक किया तो पता चला इसमें अवैध रूप से डोडा परिवहन करते हुए पाए गए, जिसका तोल किया गया तो 4 क्विंटल 37 किलो उसका वेट पाया गया। मुकदमा दर्ज किया गया और आगे जांच जारी है कि इसमें ये मुलजिम कौन थे और कहां से लेकर जा रहे थे। श्री गंगानगर के सीमावर्ती क्षेत्र घड़साना में बीएसएफ वाहिनी 104 अनूपगढ़ की जी ब्रांच ने नकली नोट बनाने वाले गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई में 3 आरोपियों को पकड़ा गया और उनकी कार में से 1,35,000 रुपए के नकली नोट भी बरामद किए गए। आपको बता दें कि बीएसएफ के उप महानिरीक्षक ने इस दौरान जानकारी देते हुए बताया कि आरोपियों की कार से 2,500 के नकली नोट बरामद किए गए। इस गिरोह के मुख्य सरगना के रूप में प्रगट सिंह को, जो कि एक स्टूडियो चलाता है, उसने यूट्यूब से नकली नोट बनाने का पहले तरीका सीखा और अपने स्टूडियो के स्कैनर और प्रिंटर से नकली नोट बनाए, साथ ही नकली नोटों को बाजार में भी चलाया। इस मामले को लेकर घड़साना पुलिस पर भी अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उन्हें इस गिरोह का पता अब तक क्यों नहीं लग सका। अब जब पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है तो कहीं ना कहीं इस मामले के तार बॉर्डर के उस पार से तो नहीं जुड़े हुए हैं, इसकी जानकारी करना भी बाकी है। झुंझुनू में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत अब पुलिस ने डॉग स्क्वाड की मदद लेना भी शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि डॉग स्क्वाड की मदद से चिड़ावा में एक निजी बस में मिलावटी मिठाइयां यहां पकड़ी गई। आपको बता दें कि इस कार्रवाई को डॉग स्क्वाड की मदद से अंजाम दिया गया। साथ ही बता दें कि बस सीकर से पिलानी की ओर जा रही थी। बस में 30 किलो कलाकंद और 80 किलो सोन पापड़ी मिले हैं, जिसमें मिलावट भारी मात्रा में की गई थी। कश्मीर में नाकाबंदी के दौरान बस में चेकिंग में 30 किलो मिनट केक लाखंड और सोन पापड़ी 80 किलो जांच के दौरान संदिग्ध लगने पर धौलपुर जिले के सैपऊ थाना क्षेत्र में सालेपुरा गांव के पास टेम्पो और बाइक में आमने सामने भीषण भिड़ंत हो गई। इस दर्दनाक हादसे में 21 वर्षीय बाइक सवार की मौत हो गई। साथ ही आपको बता दें कि 4 महिलाओं सहित 7 लोग गंभीर रूप से इसमें घायल भी हुए हैं। इस दुर्घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सैपऊ के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन सभी घायलों की हालत अधिक नाजुक होने के चलते चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर जिला अस्पताल के लिए उन्हें रेफर किया। मिली जानकारी के अनुसार सवारियों से भरा टेम्पो धौलपुर की तरफ से आ रहा था कि वहीं सैपऊ की तरफ से 3 बाइक सवार युवक धौलपुर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान सालेपुर गांव के पास टेम्पो और बाइक में जबरदस्त टक्कर यहां हो गई। इस घटना में
एक युवक की मौत हो गई जबकि 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं जिनका इलाज फिलहाल जारी है। इसी के साथ पुलिस ने टेम्पो और बाइक को जब्त कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। 12 बजे जगह टेलीफोन सूचना मिली कि टेम्पो और बाइक में एक्सीडेंट हो गया है। घटना में कुल 7 आदमी घायल हुए हैं जिनमें से 4 को धौलपुर अस्पताल रेफर किया गया है और 3 महिलाएं जिनके थोड़ी कम चोटें आई हैं उन्हें निजी वाहन से CHC पहुंचाया है। टोंक के देवली स्थित बिल्डिंग मटेरियल की दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि इस दौरान दुकान में स्पिरिट होने से आग ने भयंकर विकराल रूप धारण कर लिया। इस अग्निकांड में करीब 2 करोड़ रुपए का सामान जलकर पूरी तरीके से खाक हो गया। साथ ही आग की सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर नियंत्रण किया तो वहीं घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। फिलहाल पुलिस आग लगने के कारणों का पता लगाने में जुट गई है। खबर अब नागौर के जायल से, जहां पर कसारी गांव के पास चलते ट्रेलर में अचानक आग लगने से सनसनी फैल गई। आग लगने के बाद चालक और खलासी ने कूदकर अपनी जान बचाई तो वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची बड़ी खाटू पुलिस और फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर नियंत्रण किया। फिलहाल शॉर्ट सर्किट को आग लगने का कारण माना जा रहा है। अलवर सरस डेयरी चेयरमैन बनाराम मीणा ने खौरा चौहान में लगी आग मामले में आर्थिक सहायता प्रदान की है। बनाराम मीणा ने पीड़ित परिवार को 5100 रुपए की नगद सहायता राशि दी है, जिसके बाद मीणा का आभार जताया गया। तो वहीं मीणा ने खौरा चौहान दुग्ध समिति के सभी पशुपालकों को बोनस वितरित किया, डेयरी द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी इस दौरान अवगत कराया। साथ ही मीणा के साथ इस दौरान ऑफिसर विजय राम मीणा, रूट सुपरवाइजर मंतुराम भी उपस्थित रहे। अब खबर अजमेर के पुष्कर से है, जहां पर एक विदेशी युवती ने शराब पीकर जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान विदेशी युवती सड़क पर जा गिरी जिससे घायल वो हो गई। आपको बता दें कि पुलिस ने कड़ी मशक्कत कर विदेशी युवती का JLN अस्पताल में इलाज कराया है, जहां उसका इलाज फिलहाल जारी है। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस फिलहाल आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अब खबर झालावाड़ के आवर से है, जहां पर साप्ताहिक हाट बाजार पिछले 8 महीने से बंद था, लेकिन दीपावली के कारण बुधवार को यहां पर हाट बाजार में रौनक लौट आई। ऐसे में मुख्य सड़क के दोनों ओर लगी पशु सज्जा सामग्री की दुकानों के कारण लोगों को जाम की स्थिति का भी सामना करना पड़ रहा है। दुकानदारों ने इस पर बातचीत करते हुए बताया कि दीपावली के चलते दुकानदारों ने दुकानें लगाई है, इससे मुख्य बाजार में काफी गहमागहमी भी रही। वाहनों के निकलने के कारण सड़क पर कई दफा जाम भी यहां लगा, जिससे न केवल वाहन चालकों को बल्कि दुकानदारों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। राजधानी के जयसिंहपुरा, नंदघर, नरोत्तमपुरा में महिला जागरूकता के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गर्भवती और धात्री महिलाओं के साथ किशोरी बालिकाओं ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर विशेषज्ञों ने महिलाओं को माह के विशेष दिनों में साफ सफाई और सैनिटरी पैड के इस्तेमाल की जानकारी दी। साथ ही कोविड से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने और हाथ धोने का भी संदेश दिया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का आयोजन वेदांता ग्रुप की नंदघर परियोजना के तहत ममता हेल्थ इंस्टीट्यूट ऑफ मदर्स एंड चाइल्ड और सर्च संस्थान की ओर से किया गया।
सीकर के दातारामगढ़ में पटवार संघ ने वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पटवारियों ने हाथ पर काली पट्टी और मुंह पर काला मास्क लगाकर अपना विरोध जाहिर किया। पटवार संघ की मांग है कि राजस्थान सरकार और राजस्थान पटवार संघ के बीच में वेतन विसंगति को लेकर जो भी समझौता हुआ है उसको आज तक लागू नहीं किया गया। पटवार संघ ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले समय में आंदोलन को तेज किया जाएगा। को लागू करते हुए हमारे पटवारी वर्तमान में 16 घंटा एक्स्ट्रा काम करके सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हम गांधी विचारधारा से प्रभावित होकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार द्वारा बार बार आश्वासन देने के पश्चात भी हमारा जो वेतन विसंगति है उसको दूर नहीं कर रही है। इसके द्वारा हम आचार संहिता खत्म होने के पश्चात 2 दिन बाद SDM कोर्ट में ज्ञापन देंगे और 9 जनवरी को जिला हेडक्वार्टर पे मौन रैली धारण करके रैली का आयोजन किया जाएगा जो जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे। प्रदेश में पटाखों पर प्रतिबंध लगने के बाद सुमेरपुर नगर पालिका ने सार्वजनिक स्थानों को रंग रोशनी से सजाकर दीपावली का उत्साह बरकरार रखने का प्रयास किया, तो वहीं दुकानों पर आकर्षक रोशनी करने वाले और मास्क लगाकर सामान बेचने वाले व्यापारियों को सम्मानित करने का भी निर्णय किया। पालिका आयुक्त योगेश आचार्य ने इस पर बताया कि इस बार राजस्थान सरकार ने कोरोना के मद्देनजर पटाखों पर आगामी 30 नवम्बर तक रोक लगाई है। ऐसे में शहरवासी मायूस न हो उसके लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। आमजन पिछले 6 माह से कोरोना से राहत था तो आमजन को कुछ लगे कि हमारा त्यौहार है, इसको देखते हुए नगर पालिका द्वारा मुख्य मार्गों पर, राजकीय भवनों पर, बगीचों पर और देवी स्थलों पर लाइटिंग व्यवस्था करवाई गई है, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा इस बार आतिशबाजी पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है, तो आतिशबाजी से जो आसमान जगमगाना था उसकी जगह लाइटिंग से जगमगाएगा और लाइटिंग सुरक्षित भी रहेगी, इसको देखते हुए नगर पालिका द्वारा संपूर्ण शहर में लाइटिंग करवाई गई है। आम जनता से भी अपील की गई है कि वो भी अपने प्रतिष्ठानों पर आतिशबाजी करें और अपने प्रतिष्ठानों को सजाएं। कोरोना के चलते सीकर के फतेहपुर में व्यापारी पूरी तरह निराश थे, लेकिन कई महीनों के बाद दीपावली से पहले व्यापार फिर से पटरी पर लौटने लगा है। यहां दीपावली से पहले व्यापार में तेजी आ गई है और बाजार में भी रौनक छाने लगी है। इधर ग्रामीण इलाकों में दीपावली का असर साफ नजर आने लगा। लोग अपनी फसल को लेकर शहर पहुंचने लगे हैं ताकि दीपोत्सव को अच्छे से मनाया जा सके। चलिए गांव की दुनिया के आज के सफर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।